नमस्कार दोस्तों, आज जो पौधा का बारे में बात करेंगे ये है हरसिंगार पौधा। इसका अलग अलग नाम से भी इसको बुलाया जाता है, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, सेवली, सेफाली, पारिजात, बहुत सारा नाम है गांच का। ये छोटा सा एक पौधा है, मैंने इसको 3 महीना पहले ही नर्सरी से ला के लगाया था। ये 12 महीना ऐसे ही फ्लावरिंग होता है, ये रात को फूल खिलता है और सुबह आप जब छत में उठेंगे तो देखेंगे ऐसा ज़मीन में ऐसा फूल गिरा हुआ है। इसका फ्लावर भी देखने में बहुत सुंदर है, देखिए, और इसमें सेंट भी आता है। ये आपको नर्सरी में 50 से 60 रुपये का अंदर मिल जाएगा। आप ज़रूर इसको एक बार घर में लगाइए, क्योंकि घर में अगर लगाएंगे ना, इसका जो पत्ता होता है, इसका जो फूल होता है, इसका जो जड़े होता है, जड़, इसका छाल छिलका सब बीमारी में काम आता है। मलेरिया जब होता है या बुखार जब तेज होता है तो इसका पत्ता को पानी में फुटा कर और पानी को पीने से बुखार उतर जाता है। मेरे ये पौधा में हम 3 महीना जब लाया था तब छोटा था, तभी से ही फ्लावरिंग आ रहा था, तो अभी भी फ्लावरिंग आ रहा है। बहुत सारा दोस्तों हम देखा है फेसबुक में कमेंट्स करता है कि मेरा गांच में फ्लावर क्यों नहीं आ रहा। फ्लावर नहीं आता उसका भी वजह हम बताएंगे कि क्यों नहीं फ्लावर आता है इसमें। देखिए, इसका सबसे पहले आपको एक ही चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा, इसका मिट्टी आपको ठीक से बनाना पड़ेगा। कोई भी मिट्टी में आपका ये पौधा चलेगा, लेकिन आपको गार्डन सॉइल लेने के लिए आपको पहले मिट्टी एक बार बना लेना पड़ेगा। मिट्टी आप कैसा बनाएंगे वो भी हम आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी पौधा लगाने के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग मिट्टी कैसा बनाएंगे, तो मिट्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 70% मिट्टी ले लेंगे और 30% हम लोग कोई भी कंपोस्ट ले लेंगे। तो काउडंग भी हो सकता है या कोई भी नर्सरी से आप परचेस किया हुआ कोई भी कंपोस्ट चलेगा इसमें। तो हम लोग दोनों को मिक्स कर लेंगे, दोनों को मिक्स करके हम लोग ऐसा एक तो मिट्टी का टॉप लेंगे, या आपके पास प्लास्टिक का भी रहेगा तो चलेगा, मिट्टी का टॉप, छोटा सा टॉप लेंगे हम लोग, लेकिन बड़ा नहीं, छोटा सा टॉप में लगा लेंगे इसको। अच्छा से लगा के हम लोग 30% जो कंपोस्ट दिया इसलिए हम लोग कोई खाद इसमें नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग लगा लेने के बाद ये 2-3 महीना ऐसे ही फेंक के रखेंगे छत में, जहाँ धूप आता है वैसी जगह में हम लोग रखेंगे। जब गाछ ग्रो करना शुरू कर देंगे तो हम लोग इसमें फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देंगे। तो हम लोग क्या फर्टिलाइज़र देंगे, हम लोग NPK 19-19 देंगे, 10-26-26 जो होता है वो देंगे, तो ऑटोमेटिक देखेंगे आपका फ्लावर आना चालू हो गया। जब फ्लावर आना चालू हो जाएगा तो हम लोग को लाल पोटास देना पड़ेगा। देखिए, हम कल ही दिया हूँ लाल पोटास, ज़मीन में गिरा होगा ये, इसमें ज़्यादा देना नहीं पड़ता है, 2 ग्राम करीब देना पड़ेगा। आपके पास अगर लाल पोटास नहीं है, जो रेड कलर का पोटास होता है, अगर नहीं भी है तो चलेगा। आप अगर आपका पास अगर 0050 है तो उसको भी आप दे सकते हैं, भर भर के आपका फ्लावर आएगा, हर डंगाली में आपका फ्लावर रहेगा। देखिए मेरा कितना, आपको तो दिख रहा ही होगा। और इसमें और भी एक चीज़ है, फंगस का प्रॉब्लम बहुत होता है। इसका मिट्टी बनाने का टाइम आपको ज़रूर माइंड में रखना पड़ेगा कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपको हम बाद में आप फिर एक वीडियो बना के दिखा देंगे, लेकिन इसका ड्रेनेज बन जाने के बाद इसमें हम जो पानी डालेंगे तब तक पानी डालेंगे जब तक ना इसका होल से पानी निकल जाए। जब निकलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग रोक देंगे। इस मिट्टी में देखिए अभी भीजा है, पूरा भीगा हुआ है, बोल के हम इसमें और पानी नहीं डालेंगे, ये पूरा सूख जाएगा उसके बाद ही हम पानी डालेंगे। पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा पत्ता में देखिए दाग होना शुरू हो जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये फंगस का वजह से हो रहा है। इसका रूट में थोड़ा प्रॉब्लम आने से ही ऐसा पत्ता होना शुरू हो जाएगा।
तो हम लोगों का जब ऐसा रूट होना शुरू हो जाएगा, देख सोच लेंगे हम लोगों की हम लोगों का पत्ता ख़राब हो रहा तो हम लोग रूट के लिए क्या करेंगे, हम लोग ह्यूमिक एसिड जो होता है वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के डाल देंगे। सांप जो फंगीसाइड होता है उसको भी हम लोग, या M45 जो फंगीसाइड होता है दुकान में मिलेगा आपको, वो सब फंगीसाइड हम लोग 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या 2 ग्राम उसका कॉन्टेंट ही उसी में लिखा रहता है, उसको हम अच्छा से डाल देंगे इसमें। हफ्ता में एक बार डालेंगे, फिर एक हफ्ता का बाद फिर एक बार डाल देंगे, 2 बार डालने से इसका काम हो जाएगा। और पत्ता में क्या करेंगे, फंगीसाइड एक बार अच्छा से स्प्रे कर देंगे, और इसमें कुछ नहीं देने से भी चलेगा। और इसमें बीमारी जो बोलता है, इसमें आपका जो रुआ रुआ टाइप का देखना, आपका आपको लोग देखने मिलेगा कि रुआ रुआ टाइप का मिलीबाग रहता है, वो मिलीबाग को आपको भगाने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। आप कॉन्फिडर यूज़ कर सकते हैं, आप एक तारा यूज़ कर सकते हैं, या आप दुकान में जाके बोलेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई दे देगा। तो ये 2 अगर आप काम कर लेंगे, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड, तो आपको और एक गांच को देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं ये पत्ता को अभी काटेंगे नहीं, कुछ दिन और रुकेंगे, जब इतना तक हो जाएगा तो मैं इसको काट के फेंक देंगे। आप ऐसा होने से आप काट के भी फेंक सकते हैं, मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है अभी काटने का। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन अलग अलग वीडियो लाएंगे अलग अलग पौधा का। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।